चीजों को आप जो है वो लगातार अपने साथ लेकर आएंगे। दूसरा, यहां पर जब आप शुरुआत करेंगे तो कोशिश करिए जो आपका फर्स्ट ईयर है वो एनसीईआरटी के साथ जुड़ा हुआ हो, एनसीईआरटी आपकी प्रिपेयर हो। एनसीईआरटी जो 6 से लेकर 12वीं तक कुल 52 किताबें हैं यहां पर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब ये 51 और 52 बुक्स जो हैं वो काफी बल्की हो जाती हैं, तो एक तरीका ये है कि आप इनको रीड करिए, इनके नोट्स बनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण जो एनसीईआरटी है वो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बीटीएल, बिटवीन द लाइंस, यानी उनकी लाइनों के बीच में जो छुपे हुए मतलब हैं, जो अर्थ हैं, वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप इसके लिए जो, जैसे अभी हमने एक शुरुआत की इसी बात को देखते हुए कि अपने बेसिक्स को आप जो है वो पूरा कर लें, एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम फीस में एक एनसीईआरटी कोर्स शुरू किया है, जिसमें अभी तक की जो इंडिया में जितना भी एनसीईआरटी पढ़ा जाता है, सबसे विविध टीम जो है वो इसी के साथ है। हर सब्जेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड टीचर है और एक बहुत ही जो दिल्ली के जाने माने जो टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के, वो एनसीईआरटी टीच करें, ताकि आपको वही स्टैंडर्ड मिले, ना कि कोई एक टीचर अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ाता चला जा रहा है। तो यहां हम एनसीईआरटी में वो क्वालिटी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी समझ को विकसित करने का बेस है। तो जो फर्स्ट ईयर है वो आप टारगेट रखिए कि आप एनसीईआरटी को पढ़कर, उनके नोट्स बनाकर, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके अपने आप को जो है वो 30% तक की तैयारी को अपना बना लेंगे। इसका जो योगदान होता है 30-40% होता है, वो यहां पर बेसिक्स आपका तैयार हो जाएगा। और जब आप पढ़ें तो आप कोशिश करें कि बीटीएल पर सबसे ज्यादा फोकस करके रखें, बिटवीन द लाइंस। अब हम बात करेंगे अपनी तैयारी में वीकेंड्स का प्रयोग कैसे करते हैं। इस दौरान आपका कॉलेज नहीं होगा और आपके पास समय बचा होगा, ये जो टाइम आपको मिल रहा है इसको बढ़ाकर यहां पर 6-7 आवर्स कर दीजिए आप, यानी वीकेंड पे आप जो है ज्यादा पढ़ाई करेंगे। कई बार आपको ये लगेगा कि आप बड़ी तकलीफ देह प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आपको घूमना फिरना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, अभी तो आपने 12th पास किया है, अभी आपके जो है वो एंजॉय करने का दिन है, लेकिन हर समय अपने दिमाग में रखिएगा कि मैंने देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में जाने का फैसला किया है, आने वाले टाइम में मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जब भी आपको थकान होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, बोरियत होगी, आपके दोस्त घूम रहे हैं, फेस्टिवल्स में जा रहे हैं, और आप अपने आप को वीकेंड में भी पढ़ाई में झोंके रहेंगे, तो हमेशा अपना मकसद, अपने आदर्शों को याद रखिएगा कि आप देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में हैं। आप याद करिएगा कि जो पावर, जो रचनात्मकता, जो प्रतिष्ठा आपको आने वाले समय मिलेगी, वो आपके समकक्ष जो आज घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको वो सब नसीब नहीं होगा। तो जो ये समर्पण आप देते रहेंगे वो आपको गहरे समय में, तकलीफ के समय में आगे लेकर जाएगी। तो इस तरह जो है वो आप फर्स्ट ईयर में अपने सेगमेंट्स को लेकर आगे चलेंगे। अब हम बात करते हैं जब आप अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में आ जाएं। सेकेंड ईयर वो टाइम होता है जहां आप यूपीएससी के लिए बहुत सीरियस अप्रोच लाना शुरू करेंगे, क्योंकि आप 21 साल होते होते या अपने फाइनल ईयर में आते आते आप इस परीक्षा को देने के लायक हो जाएंगे। याद रखिएगा इस बात को, आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में भी अगर आप 21 वर्ष पूरे हो रहे हैं अर्हता के हिसाब से, तो आप ये परीक्षा दे सकते हैं और देश के सबसे कम उम्र के आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि जो एक परंपरा चली आ रही है कि अभी क्या, अभी 25-26 साल के हो जाएं तब यूपीएससी के बारे में सोचेंगे, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यूपीएससी के आंकड़े जरूर देख लें, जो नए आंकड़े आ रहे हैं। 21 साल, 22 साल, 23 साल के बच्चे तेजी से यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं, और यूपीएससी जो है वो बैकडोर से नए जो युवक युवतियां हैं उनको यूपीएससी में लाने का प्रयास कर रहा है, ताकि उनकी सर्विस का स्पैन बढ़े, और जितना ही आपकी सर्विस का जो है अवधि बढ़ती है, आप उतना ही नेशन के लिए एसेट होते चले जाते हो, बहुमूल्य हो जाते हो। आपकी जो सेवा है, सिविल सेवा, वो अनुभव आधारित है, वहां आप फील्ड वर्क करके सीखते हो कि आप कैसे बेहतरीन ऑफिसर बन सकते हो, आपके सामने जो चुनौतियां आती हैं उनसे आप लड़ते हो। अब हम सेकंड ईयर की बात करते हैं, तो सेकंड ईयर में हमें क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने न्यूज़पेपर में अपना बेस बनाना शुरू कर दिया है। यहां एक मिथ होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी पैराशूट स्टूडेंट को अवॉइड करता है। आप ये सोचिए कि आप एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ के, उनको आंकड़े रट के यूपीएससी में कुछ कर पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। यूपीएससी मुद्दों पर और विवादों पर बहुत फोकस करती है, और मुद्दों यानी इश्यूज पे और कॉन्फ्लिक्ट्स पे अपना एक दृष्टिकोण बनाना एक लंबी प्रक्रिया होता है। लोग शुरुआत से ही इस काम में लग जाते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग का सिर्फ ये मकसद नहीं होता है कि मुझे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग का जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो होता है थॉट्स को डेवलप करना, कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखना, और जो विचार आ रहे हैं, चाहे वो उसके पक्ष में आ रहे हो चाहे उसके विपक्ष में आ रहे हैं, उन विचारों पर अपनी एक पकड़ बनाए रखना। तो अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी आदत का हिस्सा बनाइए। कई बार आप ये कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, तो फर्स्ट ईयर में तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बस पढ़ने की आदत डालिए। आप नोट्स नहीं बना रहे, कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस अगर कल को ये बात हुई कि प्रधानमंत्री हमारे किस राष्ट्र में गए, हाउडी मोदी का कॉन्सेप्ट कहां पर जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ, ईरान के साथ हमारा मुद्दा क्या है, तो आपको अनसुना नहीं होना चाहिए।
आपको ऐसा नहीं होना चाहिए अरे पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय जीडीपी क्या चल रही है, राष्ट्र में बैंकिंग व्यवस्था में क्या चल रहा है, पॉलिटी में क्या हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट क्या नया आया है, उसमें आपको बस उनके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। धीरे धीरे ये जानकारियां छनते हुए आपके गहरे मस्तिष्क में पहुंचेंगी और अब आप यहां पर जो है उस पर एडवांसमेंट कर पाएंगे। सेकेंड ईयर के टाइम में आपको यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करके रखना है वो अब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, यानी यूपीएससी प्री की प्रिपरेशन पे आप लग जाएंगे। तो जो बेसिक बुक्स हैं आपकी, आप यहाँ पर जैसे बर्नवाल हो गया, जैसे अगर हम बात करें खुल्लर हो गया ज्योग्राफी के लिए, रमेश सिंह हो गया आपकी इकोनॉमी के लिए, ये सब चीज़ें जो है वो आप अध्ययन करना शुरू कर देंगे। इतिहास के लिए जो आप बेसिक जो है विपिन चंद्रा की बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं, या आपने स्पेक्ट्रम तो एटलीस्ट आप सेकेंड ईयर में पढ़ना जरूर शुरू कर दें, अगर विपिन चंद्रा आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ें। इसके साथ साथ जो और किताबें हैं, जैसे अगर हम बात करें तो सुभाष कश्यप की बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप सेकेंड ईयर में हैं पॉलिटी के लिए। लक्ष्मीकांत तुरंत मत जाएगा क्योंकि लक्ष्मीकांत में कई इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो फ्रेशर को समझने में बड़ी दिक्कत करती हैं। तो जो सुभाष कश्यप में बुक लिखी है वो एक टेक्स्ट की तरह लिखी है, जहां पर आप एक रुचि जिसमें दो पार्ट आते हैं वो दोनों पार्ट आप अध्ययन करना जरूर शुरू करें। साथ ही साथ न्यूज़पेपर के साथ जब आप अटैच रहेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो सेकेंड ईयर में भी आप सेम टाइम टेबल फॉलो करें, अगर संभव हो तो अपने वीकेंड्स में एक घंटा आप ऐड करना शुरू